मित्रा पे आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों उन लोगों की बात करेंगे जिन लोगों को खांसते या छींकते वक्त पेशाब जो है पेशाब लीकेज हो जाता है, यानी कि यूरिन उनकी आ जाती है। वो लोग शर्मिंदगी से किसी से भी इस विषय में चर्चा नहीं करते हैं और वहीं फिर रोग को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दबता नहीं है और भी ज्यादा बढ़ता जाता है जैसे जैसे समय होता जाता है, या जैसे अधिकतर समस्या महिलाओं को ज्यादा देखने को मिलती है। होती सभी के साथ है, पुरुष के साथ भी, महिला के साथ भी, लेकिन महिलाओं के साथ ज्यादा होती है। तो जब ये समस्या बढ़ती जाती है और उम्र भी जैसे जैसे होती जाती है वैसे ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो जब ये कभी कभी होता था, कभी यानी कि ज्यादा खांसी आ रही है या छींक अचानक से आई तो उनकी पेशाब लीकेज हो गई, लेकिन फिर जैसे ही समस्या बढ़ती जाती है तो ये समस्या धीरे धीरे हर दिन होने लगती है। तो इस समस्या को हमें छुपाना नहीं है, अपने डॉक्टरों से शेयर करनी है और इसके लिए हमें कुछ योगासन करने होंगे जिससे कि हम अपनी मांसपेशियों को मजबूत बना सके। होता क्या है कि जहां पे हमारा यूरिन स्टोर होता है वहां की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण कि ये समस्या होने लगती है। तो हमें अपनी मांसपेशियों की, यूरिन की थैली की जो मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रांग बनाना है, उनको मजबूत बनाना है। जब हम ये करेंगे तो हमारा जो प्राइवेट पार्ट है ये स्ट्रांग बन जाएगा और जो ये समस्या है धीरे धीरे जो है खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो सबसे पहले आसन करना होगा तितली आसन। हमें दोनों पैरों को इस तरह से करके बैठ जाना है और अपने इस अंगूठे को इस तरह से करके हमें तितली आसन करना है। ये तितली आसन जो है हमारे जननांगों के लिए बहुत ही अच्छा है, उसको स्ट्रांग बनाता है, वहां की मांसपेशियों को भी स्ट्रांग बनाता है। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये तितली आसन। और जो जननांग संबंधी समस्याएं होती हैं उनको भी ये दूर करता है तितली आसन। पेशाब लीकेज की समस्या को भी दूर करता है। इस तरह बैठ के सीधे कम से कम डेली आपको 2-3 मिनट इस तरह से तितली आसन करें। इसके बाद हमें करना होगा दूसरा मूल बंद आसन। में हम क्या करते हैं कि इस तरह से हमें पलथी मार के बैठ जाना है क्रॉस लेग्ड करके और अपने दोनों हाथों को इस तरह से रख लेना है और हमें हमारा जो एनस है यानी कि जो हमारा प्राइवेट पार्ट है उसको हमें ऊपर की ओर खींच के ऐसे रखना है। इस तरह से हम खींच के रखेंगे, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे फिर रिलीव कर देंगे। इस तरह खींच के रखेंगे, फिर रिलीव कर देंगे। इस तरह से यदि आप मूल बंध लगाते हैं और इसको कम से कम इस प्रक्रिया को आप 5 मिनट तक करते हैं तो देखेंगे आपका जो प्राइवेट पार्ट है या जननांग संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं सभी समाप्त हो जाएंगी। ये हर एक चीज के लिए फायदा है, आपके यूरिन संबंधित कोई समस्या, मल संबंधित कोई समस्या, यानी कि ये सब चीज में फायदा करता है ये आसन। इसके बाद हमको करना होगा मनासन। मनासन के लिए हमें इस तरह से बैठ जाना है, ये भी हमारे प्राइवेट पार्ट को स्ट्रांग बनाने में सहायता करता है। इस तरह से बैठ जाना है जैसे कि पहले के समय पर लोग जाते थे भुट्टी वगैरह बाहर, या आजकल भी जो इंडियन सीट पे इसी तरह से बैठते हैं। तो अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला लेना है और अपने दोनों हाथों को अपने ये घुटनों के अंदर रख के इस तरह से करके हमें बैठना है। इस तरह करके हमें सीधे कम से कम 5 मिनट तक इस आसन पे बैठे हैं। इस तरह जब बैठेंगे तो जो हमारे प्राइवेट पार्ट है या अपर विजन जितना भी है हमारा सब स्ट्रांग हो जाएगा, समस्याएं जो है समाप्त हो जाएगी। लेडीज हो या पुरुष सभी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिन लोगों का पेट नहीं साफ होता है सुबह सुबह, यदि वो लोग सुबह सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीने के बाद इस आसन को करते हैं तो उनका पेट भी साफ होने लगेगा। यदि नियमित इस आसन को करते हैं तो उनकी हैबिट में आ जाएगा और नियमित उनका जो है पेट साफ होने लगेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, उठने के बाद वो उनका पेट साफ नहीं होता है, वो किसी भी टाइम जाते हैं, सुबह सुबह की उनको हैबिट नहीं होती है। तो ये आसन करने से उनको जो है सुबह सुबह की हैबिट भी हो जाएगी। तो इस आसन पे भी आपको 5 मिनट बैठना है। ये तीनों आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ये आपकी मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाएंगे और आपकी मूत्र की थैली को भी स्ट्रांग और मजबूत बनाएंगे, उसकी सारी समस्याओं को समाप्त करेंगे। तो आप
ये तीनों आसन करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।